अच्छा अब इसका प्रोसीजर क्या, अब ये 16 साल की लड़की है या कॉलेज यूनिवर्सिटी जा जाके रंग बिल्कुल जल के खत्म हो गया। आई कैन अंडरस्टैंड बिल्कुल। और अब अम्मी ने कहा 18 साल से पहले बेटी की शादी करनी है। नहीं बेटा ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है, शादी करना जब डिग्री हो जाए तुम्हारी। हाँ भाई 21-21 में कर लेना भाई डिग्री। अच्छा अब ये लगेगा कैसे, क्या प्रोसीजर होता है? अच्छा सबसे पहले मैं आपको, दिस माय असिस्टेंट आसिफ जी, आसिफ इज पार्ट ऑफ कादरी हेल्थ केयर एंड आज का लॉट ऑफ आवर इक्विपमेंट टुडे हैज बीन गिवन बाय कादरी हेल्थ केयर। आसिफ मुझे जरा वो दीजिएगा, इंजेक्शन जो है हमारे ग्लूटाथायोन और उसके बाकी एजेंट। अच्छा ये कहाँ लगता है, क्या होता है? मैं अभी सब बता देता हूँ। अच्छा तो ये एक सॉर्ट ऑफ इसमें ग्लूटाथायोन इसके अंदर होता है पाउडर्ड फॉर्म के अंदर, ठीक है। दूसरे बात उन्होंने देखा है कि इसकी फॉर्मुलेशंस को इंक्रीज करने के लिए इसमें विटामिन्स और कुछ और बॉडी के जो बॉडी को बेनिफिशियल केमिकल्स होते हैं, विटामिन्स के साथ साथ जैसे इसके अंदर यू नो यू हैव योर लाइपोइक एसिड और इस किस्म की अदर फॉर्मुलेशंस व्हिच आर सेफ एंड नॉट हार्मफुल जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, जो हम पॉल्यूशन की वजह से और सही खुराक ना मिलने की वजह से, वेल दे ऐड टू द बॉडी, बॉडी की रिक्वायरमेंट बॉडी खुद भी कर लेती है, खुराक से पूरी हो जाती है, तो ये बॉडी को ऐड करता है। तो इसका हम एक कॉकटेल बनाते हैं और थोड़ा कैमरे की तरफ दिखा सकते हैं, ब्रांड ना दिखाएं भले। श्योर। तो ये तीन इंजेक्शन है, ठीक है, जिसको हम नॉर्मल सेलाइन की ड्रिप में बना के 100 ml की ड्रिप में बनाते हैं और जैसे नॉर्मली आप आईवी से कोई भी फ्लूइड देते हैं उस तरह ये भी देते हैं आधे घंटे के टाइम पीरियड के अंदर। हाँ, मतलब वेन के अंदर, आईवी मतलब के वेन के अंदर। बट उससे इम्पोर्टेंट चीज ये कि आपको सही जगह जाना पड़ता है, इसलिए कि हम हमेशा एलर्जी टेस्टिंग करते हैं कि बॉडी रिएक्ट ना कर जाए। बिकॉज़ कोई भी फॉरेन एलर्जी टेस्टिंग कैसे करते हैं, वो स्किन के अंदर एक बहुत छोटा सा अमाउंट दे देते हैं और उसको ऑब्जर्व करते हैं कुछ अरसे के लिए किसी भी मसल के अंदर, नहीं बस हल्का सा स्किन के अंदर किसी भी जगह पे उसको मार्क कर देते हैं। कितनी देर वेट करते हैं? 10 मिनट्स वेट करते हैं, 10-15 मिनट्स देखने के लिए बॉडी रिएक्ट तो नहीं कर रही। अगर बॉडी रिएक्ट नहीं करती देन वी मूव फॉरवर्ड। अच्छा इसके लिए ये लगाने के लिए कौन कौन सी, आप जब तक चाहे तो बना लीजिए। अच्छा आप इसको बना लीजिए, आप इसको बना लें, तब तक मैं बताती हूं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। ये कहां कहां लग सकता है, कौन कौन सी जगहें ऐसे हाथ पे, अब इनका हाथ लेकर हम बताना चाहेंगे। वेल इसके अंदर ये है कि ये किसी भी अच्छी वेन के अंदर लग सकता है, जैसे यहाँ पे एक अच्छी वेन मिल रही है तो इसको हम यहाँ पे भी लग सकता है, कहीं भी लग सकता है, कहीं भी, क्योंकि ये एजेंट जो है वो वेन के लिए हार्मफुल नहीं है। कुछ हाथों पे ही लगाना जरूरी है, आप अगर पैर लगा सकते हैं, बट ये कंफर्टेबल होता है ना, सामने है, पेन फ्री है, आसान साइट है, यू नो लोग ब्लड तो काफी दिया हुआ होता है, टेस्ट कराए होते हैं। इसको लगाने के बाद कोई पेन होता है या कोई ऐसी उलझन होती है? इसको लगाने से डिजीनेस हो जाती है, अगर आप बहुत तेज, नहीं थोड़ी सी डिजीनेस होने लगती है, लाइट हेडनेस, अगर आप बहुत तेज दें। सो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप इसको सबसे पहले तो आप एलर्जी टेस्टिंग करें, फिर पेशेंट के वाइटल्स आप ले लें पहले और इंजेक्ट, आप जब उसको इंजेक्ट हो रहा हो तो एक दफा बीच में वाइटल्स ले लें जस्ट टू मेक श्योर, बिकॉज मेडिसिन के अंदर केयरफुल रहना। पेशेंट के वाइटल्स ले लें मतलब कि ब्लड प्रेशर और उसका पल्स, एक दफा सारा चीजें चेक कर लें मेडिकल। अच्छा बात एक इंपॉर्टेंट चीज, क्या इसको लगाने से पहले हमें क्या प्रिकॉशंस करने चाहिए, लाइक खाना पीना ये वो, कुछ ऐसी चीज खानी खाई भी नहीं हो या क्या? नहीं ऐसा कोई प्रिकॉशन नहीं है, बट ऑब्वियसली आपको पेशेंट की प्रॉपर डिटेल हिस्ट्री लेनी चाहिए जो हम ले चुके हैं, कंसेंट फॉर्म साइन कराना चाहिए, फिर पेशेंट को ट्रीटमेंट का बताना चाहिए कि ट्रीटमेंट के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, ट्रीटमेंट के, क्योंकि लड़कियां तो खाती पीती भी नहीं है ना, ऐसे ही आ जाती, तो क्या खाए पिए बगैर भी ये इंजेक्शन लग सकता है? आई थिंक थोड़ा सा खा के आए तो बेहतर है, बिकॉज कोई भी अगर सुई लगती है तो वैसे ही थोड़ा इंसान के अंदर पेन रिस्पॉन्स बढ़ता है और थोड़ा सा वो हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है स्ट्रेस के अंदर, सो इट्स ऑलवेज गुड कि पेशेंट आपके पास आए हु इज वेल लुक्ड आफ्टर। अच्छा कौन सी एज के लिए सही है, यानी कि कौन सी एज से नहीं लगा सकते, यानी कि कहाँ से शुरू होता है? I think इसमें once you are mature adult, 13 के बाद 14, 15, I think 16 onwards should be okay. Yeah, because से पहले तो I don't think it's feasible. 16 onwards up you can, but you know. कितने दिनों बाद कितने injections लग सकते हैं? आप ready हो जाएं तो बता दीजिएगा, मैं जरा तब तक इसलिए information ले रही हूँ जब तक वो ready हो रहा है आपका पूरा procedure. बट इसके अंदर ये होता है कि सबसे पहले आपको म्याना दवी रखनी होती है, ठीक है, आपने हमेशा पेशेंट से पेरेंट्स से डिस्कस करना पड़ता है कितने आपने ट्रीटमेंट्स करने, सो आपने हर हफ्ते एक लगाना होता है, चार से पांच लगाने होते हैं, हर हफ्ते एक लगाना होता है चार से पांच। ऑब्वियसली फिर आप पेशेंट को देख भी रहे होते हैं, असेस भी कर रहे होते हैं कि कोई इसका कोई रिएक्शन तो नहीं है, बट जनरली दिस इज अ वेरी सेफ थिंग, रंग ब्राइट होना बेहतर हो जाता है, काफी बेहतर हो जाता है। और उसके बाद मैक्सिमम लगा सकते हैं, अब मैक्सिमम का तो आप लोग तो लगाते रहते हैं, कुछ लोग तो हर महीने में एक लगाते हैं।
अच्छा उम्र भर के लिए बिकॉज ये बॉडी को वाइटलाइज करता है ना 10, 15, 20, 40, 50 कितने वेल आई वुड रेकमेंड दैट डोंट एक्सीड मोर देन 10 स्पेशली इतने छोटे समवन लाइक हर आई वुड स्टॉप एट 4-5 एंड यू शुड बी ओके ये अब कैसे लगेगा आप हम देखना चाहेंगे ओके आपने बना दिया इसमें डाल दिया ओके अच्छा सबसे पहले हम ये करते हैं कि वी विल हाईलाइट एन एरिया आई हैव माय थैंक यू जैसे हमने ये छोटा सा एरिया इनका यहाँ पे हाँ कैमरा को करीब ला सकेंगे प्लीज ठीक है ये उतार दूंगी इसकी ये उतार लो दूसरे हाथ में पहन अब हमने ये एरिया हाईलाइट कर लिया ठीक है ठीक है वी हाईलाइटेड दिस एरिया ठीक है इसके अंदर एक छोटा सा क्वांटिटी है जो ये पूरी क्वांटिटी आपने बनाई है उसमें जरा सी आपने यहाँ डाली ताकि आप टेस्ट कर सकें जी बिल्कुल ठीक है तो ये पूरा जो हमारा फाइनल बन गया वो हमने किया ठीक है स्किन को हमने अल्कोहल वाइप से स्टेरिलाइज किया ठीक है एक छोटा सा आपको पिन प्रिक होगा ओके फिर आपने इसके अंदर दैट्स इट बस फिनिश ये आपने देखा ये रेज हो गया बस इसको कहते हैं इंट्राडर्मल इंजेक्शन ठीक है अब ये हमने दे दिया है अब जनरली आप 10 से 15 मिनट वेट करते हैं अगर बॉडी इससे रिएक्ट करती है तो रेडनेस और थोड़ा सा इसके बाद आपको नजर आ जाएगा स्वेलिंग बढ़ जाएगी अगर कुछ भी नहीं होगा तो विद इन 10-15 मिनट्स ये जो व्हील हमने रेस किया ना ये फ्लैट हो जाएगा इसका मतलब इट्स सेफ टू प्रोसीड विद द ड्रग ठीक है सो अच्छा अब हम क्विकली आपको दिखा दें कि इसके अंदर प्रोसेस क्या है ये जो वेन नजर आ रही है ठीक है इसके अंदर हम एक बटरफ्लाई डालेंगे आप सब दिखाइए ये हम आपको सब इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आप गलत लोगों के पास ना जाएं सही जगह का इंतखाब करें अगर आपकी ख्वाहिश ये है कि आपका रंग गोरा अगर आपकी ख्वाहिश ये कोई फोर्स नहीं है कोई जबरदस्ती हाँ बिल्कुल लेकिन हम ये प्रोग्राम कर इसलिए रहे हैं ये बताने के लिए कि आप सही जगह का इंतखाब करें सारे प्रोसीजर दिखा रहे हैं और गलत जगह चले जाएंगे तो आपको पता चल जाए अच्छा ये बटरफ्लाई कैन्यूला होता है ठीक है ये जनरली ब्लड ड्रॉ करने के लिए या ऐसी चीज इंजेक्ट करने के लिए अगर एक इंजेक्ट करना है उसमें हम यूज करते हैं और ये ड्रिप सेट है ऑलरेडी अच्छा। हमारा बन चुका है वो सारा आपने मिक्सचर जो है जो आपने दिखाया था वो इसमें जा चुका है नॉर्मल सेलाइन के अंदर ठीक है अब इससे हम एयर क्लियर आउट कर रहे हैं ठीक है द एयर इज गेटिंग क्लियर आउट ऑफ दिस ये अब देखिए बिल्कुल एयर क्लियर आउट हो गई ब्लड स्ट्रीम के अंदर एयर नहीं जा सकती है तो बिल्कुल क्लियर करना पड़ता है क्योंकि फिर वो उसका नुकसान होता है ठीक है अब ये हम इसको यहाँ पे टॉनिक के लगा के इसको वो करेंगे ब्लड तो आई एम श्योर हम सब ने ये लगाते हुए लेते हुए देख लिया होगा हाँ वो ऑन स्क्रीन नहीं आपको दिखा रहे क्योंकि वो अनएथिकल भी लगता है बट एसेंशियली प्रोसीजर ये है कि ये हमारी ड्रिप तैयार हो गई है ये ड्रिप हमारी आधे घंटे के अंदर इंशाल्लाह इस पेशेंट के अंदर चली जाएगी हमारा 10 मिनट्स अभी पूरे नहीं हुए इधर 10-15 मिनट्स हो जाएं ये क्लियर होगा तो इस वेन के अंदर हमने ये आईवी डालनी है आसिफ खोल भी चुके हैं ठीक है व्यूअर डिस्क्रेशन के लिए हम ब्लड नहीं दिखाएंगे लेकिन अब यहाँ पे वेन जाएगी और आधे घंटे में चल जाएगा ये वाला प्रोसीजर यहाँ हो रहा है हमने आपको सब दिखा दिया